अस्सलाम वालेकुम, शफ़क़ यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरमा। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं कर सके, लेकिन दिल में हसरत बहुत थी कि हज़ूर का दीदार कर लूं। बूढ़ी माँ थी और इनकी हिदमत आपको हज़ूर सल्लम के दीदार से रोके हुई थी। उधर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ रुक करके कहा करते थे कि मुझे यमन से अपने यार की खुशबू आ रही है। एक सहाबी ने कहा, हजूर आप उसे इतना प्यार करते हैं और वो है कि आपसे मिलने भी नहीं आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी बुरी और नबीना माँ है जिसकी अवैस बहुत खिदमत करता है और अपनी माँ को वो तन्हा छोड़ कर नहीं आ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातिब होते हुए फरमाया कि तुम्हारे दौर में एक शख्स आएगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमिर, कद होगा दरमियाना, रंग होगा काला और जिस्म पर एक सफ़ेद दाग होगा। जब वो आए तो तुम दोनों ने इससे दुआ कराना, क्योंकि अवैस ने माँ की ऐसी खिदमत की है जब वो दुआ करके हाथ उठाता है तो अल्लाह इसकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। हज़रत उमर 10 साल खलीफा रहे और हर साल हज करते हैं। हर साल जब भी हज करते तो हज़रत अवैस करनी को तलाश करते, लेकिन उन्हें अवैस ना मिलते। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारे हाजियों को मैदान अरफात में इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाए। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए और सिर्फ यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ कबीला मुराद खड़ा रहे। फिर कहा मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ करण वाले खड़े रहें। तो सिर्फ एक आदमी बचे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि तुम करनी हो? तो इस शख्स ने कहा, हाँ मैं करनी हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि अवैस को जानते हो? तो इस शख्स ने कहा, हाँ जानता हूँ, वो तो मेरे सगे भाई का बेटा है। आपने पूछा कि अवैस है किधर? तो इस शख्स ने कहा कि वो अरफात गया है ऊँट चराने। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ किया और अरफात की तरफ दौड़ लगाई। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि अवैस करनी ने दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चर रहे हैं। अब दोनों आकर बैठ गए और हज़रत अवैस करनी की नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत अवैस ने सलाम फेरा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, कौन हो भाई? तो हज़रत अवैस करनी ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तो हज़रत अवैस ने कहा, आप कौन हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब हैं और मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। हज़रत अवैस का ये सुनना था कि वो थर थर कांपने लगे और कहा कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं था, मैं तो पहली दफ़ा हज पर आया हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तुम अवैस हो? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं अवैस हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि हाथ उठाओ और हमारे लिए दुआ कर। वो रोने लगे और कहा, मैं दुआ करूँ? आप लोग सरदार हैं और मैं नौकर आपका, और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँ? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि अवैस जब भी आए तो इससे दुआ करवाना। फिर हज़रत अवैस करनी ने दोनों के लिए दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हज़रत अवैस करनी भी चलेंगे। इस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बाकियों को जाने दो और अवैस को रोक लो। उस वक्त हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि ऐ खुदा, आपने मुझे दरवाज़े पर क्यों रोक लिया गया? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि पीछे देखो। जब पीछे देखेंगे तो पीछे करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नुमी खड़े होंगे। तो इस वक्त खुदा फरमाएगा कि ऐ अवैस, तेरी एक नेकी ने मुझे बड़ा खुश किया, माँ की खिदमत। तो उंगली का इशारा कर, जिधर जिधर तेरी उंगली फिरती जाएगी मैं तेरी तुफैल इनको जन्नत में दाखिल करता जाऊंगा। सुभान अल्लाह। माँ से मोहब्बत की लाजवाल दास्तान हज़रत अवैस करनी के वाक़े से ही मिलती है। इससे बढ़कर आज तक ना तो कोई और इस तरह की मोहब्बत माँ से कर सका और ना ही सामने आई है।
اور ہم سب کا بھی فرض ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں جہاں تک ہو سکے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے راضی ہو جائے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔